ऑस्ट्रेलिया दे रहा है 3 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज। ये वैकेंसीज किन लोगों के लिए, क्या कैटेगरी में जॉब है, लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ न्यू वैकेंसीज आती रहती है, उस तरह ही इस बार भी बहुत सारी न्यू वैकेंसीज आई हैं बहुत सारे न्यू लोगों के लिए, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, एज अ एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो। सारी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, क्या खर्चा आएगा और क्या सैलरी पैकेज होगा, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है जी AK वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रोप सर्विसेज। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है, आप मेरी वीडियोस देखते हो, मेरी स्टेटस वगैरह देखते हो, स्टोरीज देखते हो, आपको पता है बहुत सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि वीज़ाज ही बहुत आ रहे हैं और ऑफर लेटर तो मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड है वहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए। तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए जी, डॉक्यूमेंटेशन की नीड में ना सबसे पहले आपका CV कवर लेटर आता है, वो मैंडेटरी होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और आपने उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। वो आप अच्छा बनाओ, रेलिवेंट बनाओ, लाइक जिस जॉब में अप्लाई करना चाहते हो, जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाओ। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, लाइक आप खुद भी बना सकते हो, हमसे ही बनवा सकते हो। तो पहला तो देखो, ये CV कवर लेटर हमारा मेन होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज की वो प्रेजेंटेशन होती है। हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, फिर भी लोग इसमें गलती करते हैं। वीज़ाज बहुत आ रहे हैं, ऑफर लेटर बहुत आ रहे हैं, पर वो अप्लाई करते तो नहीं आता, क्योंकि अप्लाई करने के लिए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ स्किल्स उसमें भी मैटर करती हैं। लाइक जब लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बताते हैं कि लाइक मैं ऐसे ऐसे अप्लाई कर रहा था, मुझे 2 साल हो गए अप्लाई करते, कोई बोलता है 6 महीने हो गए, कोई बोलता है 1 साल हो गए, मतलब कि मैं 2-3 घंटे डेली के लगाता हूँ Seek.com पे अप्लाई करता हूँ, वेबसाइट्स पे अप्लाई करता हूँ, पर मेरा काम नहीं बन रहा। तो मैं उनको बस इतना बोलना चाहता हूँ, इतना गाइड करना चाहता हूँ, देखो जी हर बंदे से बात करना मेरा पॉसिबल नहीं होता, मेरी टीम से बात करती है। वीडियो से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आप बात की CV कवर लेटर की, तो CV कवर लेटर रेलिवेंट बनाओ, जैसे जॉब आपकी है, जिस जॉब में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस जॉब में आप जाना चाहते हो, उससे रेलिवेंट बनाओ। स्किल्स आपको अच्छे से मेंशन करनी पड़ेंगी, लाइक आप वहां जाते हो तो क्या क्या काम आपको आता है, क्या क्या करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, लास्ट आप जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपको शो करना हो, ये आपको मतलब प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप कुछ भी नहीं आता तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर भी आपकी जॉब लग जाती है। पर उसमें देखो, जैसे हम CV कवर लेटर बनाते हैं ना, कई लोग जैसे और लोगों से CV कवर लेटर बनाते तो वो कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करते, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं कि आई एम लाइक मैं पैकिंग में जाना चाहता हूँ या जो भी है, मतलब वो लिख के बस ऐसे छोड़ देते हैं, वेयर हाउस वर्कर में लिख के छोड़ देते हैं। उस चीज़ का देखो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कि हम ना लाइक हमें ना कोई एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है, लाइक एज अ इंटर्न भी 3 महीने 6 महीने 9 महीने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शो करोगे तभी आपको कंपनी एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल खाली, बिल्कुल फ्रेशर कोई भी नहीं रखता। आप अगर खुद इम्प्लॉयर हो, आपकी अगर खुद की भी एक शॉप भी है ना छोटी सी, तो आपके पास कोई जॉब करने आता है तो आप उसमें ना लाइक उसको पूछते हो कि आपने पहले कहाँ काम किया, कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे स्टडी करने के बाद कोई आपके पास आता है तो आप उसको नहीं हायर करना चाहते, आप भी ऑप्शंस ट्राई करते हो। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी जगह हो गई, इंटरनेशनली आप जा रहे हो कहीं पर, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जिसे भी CV कवर लेटर बनाते हो उसको बोलो कि भाई मेरा 6 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस शो कर, एज अ इंटर्न ही चाहे शो कर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हो गया CV कवर लेटर का, मैंने आपको समझा दिया, डॉक्यूमेंटेशन का समझा दिया। अब मैं बात करता हूँ आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपका बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी को मेल करके भी अप्लाई कर सकते हो, Seek.com पे भी अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो दूसरा प्रोसेस है उसमें लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और वो स्कीम में काफ़ी लोगों ने अप्लाई करा और काफ़ी लोगों के वीज़ाज आए। तो उसमें क्या होता है, हमारे कंपनी के साथ टाई अप्स हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी टाई अप्स है, वेयर हाउस की कंपनी है, सुपरमार्केट कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी जिनके साथ हमारे टाई अप है। वो टाई अप वाली कंपनी में क्या होता है, वहाँ के HR मैनेजर ने हमें अथॉरिटी दे रखी है कि आप हमें अच्छे लोगों का CV कवर लेटर सेंड करो। तो हमने उनको CV कवर लेटर लोगों के भेजे, लाइक ट्रायल के लिए पहले हमने दो चार लोगों के भेजे और उनके सिलेक्शन हो गए, उनका इंटरव्यू हो गया और उसमें से 4 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट हो गए और उनका लाइक ऑफर लेटर आ गया। उसके बाद से हमने काफ़ी लोगों का करना शुरू कर दिया। तो आज इस तरह से हमने लाइक 100 से ज़्यादा लोगों को ऑस्ट्रेलिया का ऑफर लेटर दिलवा चुके हैं। तो आप भी ले सकते हो, आपको करना है कि आपको CV कवर लेटर प्रोफेशनल चाहिए। अब लाइक वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है कि वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। लोग YouTube पे आके बताते हैं आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आपको सबसे पहले ऑफ़र लेटर मिलता है, आपके हाथ में ऑफ़र लेटर है, वो आपको कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। पर जो वीज़ा है ना वो एम्बेसी देती है आपको। इसका प्रोसेस कैसे होता है, आपको पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ, YouTube पे ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। पूरा प्रोसेस क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो आप उसको ऑफ़र लेटर सेंड करते हो, फिर वो ना लाइक स्पॉन्सरशिप के लिए गवर्नमेंट को लाइक वो करता है कि लाइक मुझे इंडिया से पर्सन चाहिए या फिर मुझे जहाँ से ही पर्सन चाहिए, ये उसका लाइक मैंने उसको ये ऑफ़र करा, ऑफ़र लेटर मैंने उसको भेजा, उसे मुझे साइन करके भेजा, लाइक वो और उसके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया, लाइक हम दोनों सेटिस्फाइड हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेके, वो भी हमारे पास काम करना चाहता है, हम भी उसको काम देना चाहते हैं। उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा
वीज़ा अप्लाई हो, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है, स्पॉन्सरशिप लेटर और लाइक आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स जो नीडी होते हैं वो आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आपको सारे लाइक अपना अकाउंट वगैरह बना के वहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद लाइक 30-35-60-40 दिन के बाद जो भी प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके बाद आपको वीज़ा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और लोगों का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लाइक हमें स्टिकर वीज़ा मिलेगा या ई वीज़ा मिलेगा, तो जो 482 सब क्लास का वीज़ा है ना जी, वो ई वीज़ा होता है। चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लग करवाते हो, चाहे आप वर्क परमिट करवाते हो, आपको मिलता है ई वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। कल बात करते हैं ना, लोगों के दिमाग में बहुत ये चीज़ रहती है कि हमें सैलरी क्या मिलेगी। कोई बोल रहा है 1,00,000 रुपये सैलरी मिलेगी, कोई बोल रहा है 2,00,000 रुपये मिलेगी, कोई बोल रहा है 5,00,000-7,00,000 मिलेगी। ऐसा नहीं है, किसी के बोलने पे मत जाओ। आपको ऑफर लेटर आपके सामने आता है, उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती है। अगर कोई कंपनी आपको 2,00,000 दे रही है ना, तो ऑफर लेटर पे लिख के देगी कि मैं आपको 2,00,000 सैलरी दे रही हूँ। और कोई कंपनी आपको 9 to 5 जॉब देगी, लाइक उसमें होता है ना कि लाइक लोग बोलते 12-12 घंटे काम कराते कम पैसे देते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी ऑफर लेटर देती है, उसको आपने पढ़ना है, आपने एजुकेटेड इतना होना है कि आपको ऑफर लेटर सारा पढ़ना आता। नहीं पढ़ना आता, नहीं चाहिए समझ आ रही, तो हमारे पास भेजो, हम आपको बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें मेन हैं, क्या आप किस बॉन्ड में जा रहे हो, लाइक आपके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कंपनी की, आप कंपनी को कब छोड़ सकते हो, कंपनी आपको क्या निकाल सकती है बीच में अगर आपका काम नहीं पसंद आता। ये सारी चीज़ों का लाइक सब कुछ लिखा होता है ऑफर लेटर पे, ऑल 0 to 100 सब लिखा होता है ऑफर लेटर में। एजुकेटेड आपने होना है, पढ़ना ऑफर लेटर को आपने, तभी आप सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हो, वहाँ जाके अच्छे से काम कर सकते हो, पीआर ले सकते हो। तो ये चीज़ों का आपने खास करके ध्यान रखना होता है। ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपको लगा हो कि लाइक ये जानकारी आपके काम आएगी कहीं ना कहीं जाके, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको कुछ भी लाइक डाउट हो, आपने अप्लाई करवाना है डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करवाना है या सीवी कवर लेटर हमसे बनवाना है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। हम आपको ऑल ओवर सारी चीज़ें गाइड करेंगे कि 0 to 100 तक क्या प्रोसेस होगा आपका।